मैं प्रवीण कुमार तिवारी वेबियंस के नए लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। कुछ दिनों से हम लोग वीडियो बना नहीं पा रहे थे, डाल नहीं पा रहे थे ऑनलाइन, इसके लिए खेद है थोड़ा सा, बट उसी जुनून और उत्साह के साथ हम लोग फिर से शुरुआत करेंगे, आगे कंटिन्यू रखेंगे लेक्चर को, मज़ा आएगा, इसकी फुल गारंटी है। तो शुरू करते हैं इस नए लेक्चर को रे ऑप्टिक्स के नए शेड्यूल के साथ, जिसमें हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे मिरर फार्मूला। क्या पढ़ेंगे भैया? तो मिरर फार्मूला, तो हेडिंग डाल लें सभी लोग, ठीक है, मिरर फार्मूला। इसी को हम लोग यहां से कंटिन्यू करते हैं, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला शुरू करेंगे। बेसिकली अगर हम बात करें मिरर फार्मूला को, तो आप लोगों ने 10th क्लास में थोड़ा देखा होगा, नहीं तो फिर से देख ले, मिरर फार्मूला होता क्या है, क्या है भाई? तो 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी होता है। यहाँ पर एफ क्या होता है बेटा लोग? फोकल लेंथ होता है। क्या होता है? फोकल लेंथ होता है। यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। और वी क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। क्या होता है भैया? तो इमेज डिस्टेंस होता है बेटा पार्टी, ओके, इमेज डिस्टेंस होता है। ये सारी की सारी डिस्टेंसेस अपन कहाँ से लेते हैं बेटा लोग, एक बार बोलेंगे तो पोल से लेते हैं। किस केस में? मिरर के केस में। दिज ऑल डिस्टेंसेस, दिज ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, दिज ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रोम पोल। कहाँ से मापते हैं भाई लोग? तो पोल से मेजर करते हैं। सारे के सारे डिस्टेंसेस को कहाँ से मेजर करते हैं बेटा वाली? तो अपन लोग पोल से मेजर करते हैं बेटा लोग, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, मिरर फार्मूला के केस में ऐसा हमेशा होगा। दूसरी चीज याद करेंगे, एजम्पशन एक हम लोग लेकर के चलेंगे कि जितनी भी रे हैं सारी की सारी पैरेक्सियल रे हैं। पैरेक्सियल का मतलब मैंने बता रखा है कि एक्सिस से पैरेलल रहे, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रहे, और प्रिंसिपल एक्सिस के सारी की सारी रे बेटा लोग करीब होनी चाहिए, मतलब पास होनी चाहिए, ठीक है। तभी ये सारी की सारी चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूँ, सारी की सारी चीज़ें अगर ओवरऑल बातें करें तो अपर्चर क्या होना चाहिए? बहुत स्मॉल होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूँ, एक कनकेव मिरर है, एक बात करता हूँ मैं, एक कनकेव मिरर है सपोज एच फॉर एग्जांपल, तो मैं जो भी लूँगा, जो भी एजम्पशन रखूँगा, तो मानकर चलूँगा कि ये जो अपर्चर है, अपर्चर मैंने बता रखा है आप लोग को कि इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो एरिया, इसका डायमीटर जो था, इसको अपर्चर बोलते हैं, ठीक है। ए वाले जो डायमीटर होती है, जो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका होता है कटेंगे तो, ठीक है। तो वो देखा होगा हो, शादी वादी में डफली नहीं बजाता है, उसका जो आगे वाला पार्ट होता है उसका अगर डायमीटर ले लें तो इसको क्या बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं। तो अपर्चर बहुत ही छोटा होना चाहिए, मतलब अपर्चर मतलब ई स्ट्रेट लाइन दिखनी चाहिए, तभी सारे के सारे फार्मूला वैलिड है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है भाई। और इसी केस में मैंने बता रखा है कि पैरेक्सियल सारी की सारी रे क्या होती है? पैरेक्सियल काफ़ी करीब करीब होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो चलो, दैट इज द एजम्पशन, उसके ऊपर जाते चर्चाएं करने का कोई मतलब नहीं है। आउ कम टू द पॉइंट, तो 1 बाई फोकल लेंथ 1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 बाई इमेज डिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है भैया। तो अगर बेसिक सी बात करें कि इसका यूज क्या है, इस फॉर्मूला का यूज क्या है, तो इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन, ऐसे कह सकते हैं, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन, किसके किसके विषय में देता है? रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? आई थिंक क्लियर होगा, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं। अच्छा, फोकल लेंथ की जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लिख सकते हैं, बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर की भी बात हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इस केस में, मतलब मैंने फिर से बोला एजम्पशन केस, इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f होता है। किस केस में? जब हम लोग एजम्पशन करके चलते हैं कि अपर्चर बहुत ही छोटा है और सारी की सारी रे क्या है? पैरेक्सियल है, तब क्या होता है? r इक्वल टू 2f होता है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल टू 2f होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन होता है, ये जो फार्मूला है, रिलेशन देगा फोकल लेंथ इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर इमेज डिस्टेंस एंड
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सब चीज़ें जहाँ भी देखें वहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? आई थिंक ओके, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब हम लोग इसका डेरिवेशन करते हैं कि ये होता कहाँ से है, ठीक है? तो आ जाओ सभी लोग, कम टू द पॉइंट, ठीक है? डेराइव इसको करते हैं, एक मिनट इसको हटाते हैं भाई। तो मस्ती होगी, आराम से लेक्चर देखें, ठीक है? पेन एंड पेपर से देखते रहे, लेकर के बैठे, पॉज कर करके बार बार इन सब चीज़ों को आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है? तो आते हैं डेरिवेशन के ऊपर। तो सबसे पहले कनकेव मिरर के लिए डेरिवेशन करते हैं। कनकेव मिरर के लिए क्या करते हैं बेटा लोग? डेरिवेशन करते हैं, उसके बाद कन्वेक्स मिरर के लिए कर लेंगे, ठीक है? तो सिंपल सी चीज़ है, कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। सबसे पहले कनकेव मिरर बना ले बेटा। ये रहा कनकेव मिरर, क्या रहा बेटा लोग? कनकेव मिरर कितना सुंदर है ना बेटा। ये रहा कनकेव मिरर, इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना ले बेटा लोग। ए बन गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं बेटा पटी? पोल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। यहाँ पर बेटा हम लोग क्या रख देते हैं? ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ऑब्जेक्ट रख देते हैं। यहाँ पर क्या है इसका? मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग को पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है आपको, जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है? प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन कहा जाती है बेटा बटी, किसी एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर मिरर के जाती है तो किसकी तरह बिहेव करती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरह। इस क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, क्योंकि तो सेंटर से जो दूरी पोल की होती है इसको रेडियस बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर। और दूसरी चीज है, मैंने बेटा पार्टी आप लोगों को क्या बता रखा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है बेटा लोग, वो किसकी तरह बिहेव करता है? नॉर्मल की तरह बिहेव करता है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है किसकी तरह बिहेव करता है? नॉर्मल की तरह बिहेव करता है। किसके ऊपर? तो सरफेस ऑफ द मिरर के ऊपर। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? ये सारी की सारी चर्चा है बहुत बृहद रूप से, बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ की जा चुकी है, ठीक है? उसको प्रीवियस लेक्चर में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं। तो ये किसकी तरह बिहेव करती है? नॉर्मल की तरह। ऑब्जेक्ट से एक रे आई यहां पर, ऑब्जेक्ट से बेटा लोग क्या आई? एक रे यहां पर आई, ऑब्जेक्ट से एक रे कहां आई? यहां पर आई बेटा लोग। इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा ब्लॉक? आप ही बोल दे बेटा, तुम ही लोग बोल बेटा, तुम ही लोग बोलो बेटा। इसको क्या बोलेंगे बेटा पाटी? इंसिडेंट रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। ए वाला एंगल क्या हो जाएगा? इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको मान लेते हैं थीटा। इसको क्या मान लेते हैं? थीटा। अब बता, तू ही लोग बता दे कि अब हम लोग ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस रहता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। मतलब कि जितना एंगल पे इस पे इंसिडेंट की, उतना ही एंगल पे यहां से रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये थीटा है, तो बेटा पट ये भी थीटा होगा। और एक रे आई सीधी, और जो सीधा जाती है यहां पोल से टकरा करके सीधा वापस चली आएगी, आप लोगों को पता होगा, ठीक है? जो सीधा जाती है यहाँ पर, क्योंकि नॉर्मल के लॉन्ग जा रही है ना, मैंने बता रखा है नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, तो नॉर्मल के लॉन्ग जा रही है तो यहाँ टकराएगी और सीधा वापस आ जाएगी। ये तो प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल की, कि नॉर्मल के लॉन्ग जब भी रह जाती है तो टकरा करके वापस आ जाती है, सेम ट्रैक, क्लियर है? तो इधर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, एक इधर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, दोनों यहाँ कट मारेगी एक दूसरे को, तो इमेज का फॉर्मेशन आई थिंक यही होगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? क्लियर होगी चीजें, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है भैया? तो इसका नाम ओशी आई हो गया, क्योंकि इमेज बन रहा है। इसका नाम हम दे देते हैं आप लोग के हिसाब के लिए, एम रख देते हैं नाम। और यहां पर एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं छोटा सा, यहां पर एक कंस्ट्रक्शन छोटा सा कर देते हैं। ए पी है तो इसको मान लेते हैं पी डैश। क्या मान लेते हैं बेटा लोग? पी डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा लोग? पी डैश मान लेते हैं। अच्छा, ये दूरी बहुत ही कम है ना, बहुत ही छोटी। अगर मारेंगे कि मान लेंगे कि सारी की सारी पैरेक्सियल रे हैं, मतलब छोटे छोटे एंगल है, मतलब या फिर ऐसे कहें कि अगर मान लगे कि इसका अपर्चर जो है बहुत छोटा है, यूं तो स्ट्रेट लाइन दिखता है कि नहीं, एकदम ऐसे ही छोटा से अपर्चर है, तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो ए वाली दूरी को क्या कर देते हैं हम लोग? नेगलेक्ट। पी पी डैश को क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं, अगर इसका अपर्चर बहुत छोटा है। क्योंकि अपर्चर छोटा रहेगा तभी जा करके हम लोग, मैंने बता रखा है
एफ इजक्वल टू आर बाई टू लगाते हैं या फिर जो भी चीज़ें अपने पास एग्जम्पशन हो सारी की सारी चीज़ें लगाते हैं तो इसका अपर्चर छोटा है या फिर दूसरी बात क्या है कि सारी की सारी रे पैरेक्सियल है। पैरेक्सियल का मतलब पैरेलल टू एक्सिस एंड अलग अलग आस पास एकदम करीब करीब है, तो एंगल सारे के सारे बहुत छोटे होते हैं। तो अगर ए जितना एंगल छोटा होगा नीचे जाएगा तो ए पॉइंट कहाँ दिखता है, लगभग लगभग दोनों पॉइंट सेम ही दिखते हैं, तो हम लोग इसको लगभग लगभग क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। छोटी सी बात है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए। अब एंगल हम लोग दे देते हैं, ऑब्जेक्ट वाले एंगल का नाम अल्फा दे देते हैं, ठीक है, क्लियर है, इज इट ओके टू एवरीबॉडी, आई थिंक क्लियर होगा। ऑब्जेक्ट वाले एंगल को क्या नाम दे देते हैं, अल्फा नाम दे देते हैं। इमेज वाले एंगल को क्या नाम दे देते हैं, बीटा नाम दे देते हैं। और सी वाले एंगल का क्या नाम दे देते हैं, गामा नाम। रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला एंगल का नाम गामा दे देते हैं। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इज इट ओके टू एवरीबॉडी। अब सबका हम लोग क्या कर देते हैं, नामकरण कर देते हैं, जितने भी ए लेंथ है सारी की सारी चीज़ों को देख लेते हैं एक बार। अच्छा ये बताओ ओपी, ओपी को क्या बोलेंगे बेटा, बोलो ओपी को क्या बोलेंगे। पी पी डैश एक ही है तो पी इक्वल टू पी डैश मान सकते हैं, तो ओपी डैश को क्या मान सकते हैं बेटा लोग, ठीक है, ओपी डैश को हम लोग मान सकते हैं बेटा लोग यू माइनस यू, क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, क्लियर है, ओपी डैश को माइनस यू मान सकते हैं। अच्छा इन दोनों को मैंने एक ही मान लिया है। अब बता बेटा जो सी पी डैश को क्या मान सकते हैं बेटा पार्टी, सी पी डैश को हम लोग मान सकते हैं माइनस आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी पी डैश क्या हो गया, माइनस हो आर हो गया। आई पी डैश को क्या मान सकते हैं बेटा पार्टी, आई पी डैश इमेज डिस्टेंस है तो माइनस वी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, माइनस वी मान सकते हैं। इजी टू कैट एवरीबॉडी, यहाँ क्लियर है, इसमें कुछ लोचा वाली बात नहीं होगी। मैंने बस सबका अलग अलग नाम नेम दे दिया है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग आगे की ओर, ए सबका मैंने नाम दे दिया, अब हम लोग टैन टैन निकाल लेते हैं। टैन क्यों निकालेंगे बाद में हमको समझ में आएगा, मैं इलाबोरेटिव वे में बताऊंगा। मैं टैन निकालता हूं यहां से, बोल बेटा टैन अल्फा क्या होगा, सभी लोग बोलेंगे टैन अल्फा क्या होगा। टैन अल्फा की जो वैल्यू होगी बेटा लोग, टैन अल्फा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एम पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एम पी डैश अपॉन में ओ पी डैश। और टैन बीटा की बेटा लोग क्या वैल्यू होगी, टैन बीटा की लोग वैल्यू क्या होगी बेटा लोग, एम पी डैश अपॉन में परपेंडिकुलर बाय बेस, एम पी डैश अपॉन में आई पी डैश, ना आई पी डैश। इजी टू कैट एवरीबॉडी, कोई दिक्कत वाली नहीं बात है। और टैन गामा की जो बेटा पार्टी वैल्यू होगी, टैन गामा की जो वैल्यू होगी बेटा पार्टी, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स एम पी डैश अपॉन में सी पी डैश, MP डैश अपॉन में CP डैश, तीनों के तीनों वैल्यू होगी। अब हम जानते हैं कि सारे के सारे एंगल क्या है, बहुत ही स्मॉल है। वी नो क्या जानते हैं हम लोग, वी नो रेज आर पैरेक्सियल, रेज को हम क्या मान कर सकते चलते हैं, पैरेक्सियल। इसका क्या कहने का मतलब है, पैरेक्सियल अगर बात करें तो इसके इसमें पैरेक्सियल उसे मान नहीं सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट से जा रही है, तो क्या मान सकते हैं, वी नो एपर्चर आर वेरी स्मॉल। एपर्चर क्या है, एपर्चर इज वेरी स्मॉल, एपर्चर बहुत ही छोटा है। एपर्चर छोटा है तो अल्फा बीटा गामा भी, अल्फा बीटा गामा भी वेरी स्मॉल है, बहुत छोटे हैं, स्मॉल। एपर्चर एकदम छोटा होता है तो स्ट्रेट लाइन होगी, एकदम छोटा है तो ये सारे के सारे एंगल भी क्या होंगे, स्मॉल होंगे। अब जानते हैं स्मॉल एंगल के लिए टेन अल्फा की वैल्यू लगभग लगभग अल्फा के बराबर होती है, टेन बीटा की बराबर वैल्यू किसके आसपास होती है, बीटा के आसपास होती है, टेन गामा की वैल्यू किसके आसपास हो जाएगी, गामा के आसपास हो जाएगी, ये तो जानते हैं। अरे टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है ना, स्मॉल एंगल के लिए टेन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होता है, साइन थीटा की वैल्यू भी थीटा के ही बराबर होता है क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है और टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, मतलब स्मॉल एंगल है जीरो के करीब तो टेन जीरो की वैल्यू जीरो हो गई। इजी टू गेट एवरीबॉडी, तो टेन अल्फा की वैल्यू अल्फा, टेन बीटा की वैल्यू बीटा, टेन गामा की वैल्यू गामा, स्मॉल एंगल के लिए। इजी टू गेट एवरीबॉडी, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी सी बात है। तो ये चीज़ें क्लियर होगी, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, अल्फा इजकल टू, यहाँ से क्या मिल जाएगा, अल्फा इजकल टू एम पी डैश अपॉन ओ पी डैश, दिख रहा है ना, अल्फा इजकल टू एम पी डैश अपॉन ओ पी डैश, एंड बीटा इजकल टू बोल बेटा क्या मिल जाएगा, एम पी डैश अपॉन आई पी डैश, एंड गामा इजकल टू बेटा पार्टी क्या मिल जाएगा बोल, एम पी डैश अपॉन सी पी डैश। इज इट ओके, क्लियर है, सो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब चूंकि
अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा पार्टी, तो हम लोग अब जा रहे हैं क्या लगाने, तो ज्योमेट्री लगाने। मैंने पहले भी बताया है कि अगर रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को बढ़िया से सीखना है तो ज्योमेट्री पे हमारी पकड़ सिंपल ज्योमेट्री पे, बेसिक ज्योमेट्री पे 9th और 10th स्टैंडर्ड के पकड़ होनी चाहिए। जैसे कि सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल हो गया, कंग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल हो गया, ठीक है, इसमें जितने भी आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर क्या रहनी चाहिए, हमारी पकड़ रहनी चाहिए, तब जा करके आसान होता है, नहीं तो सीख जाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है, जो जो चीज़ों की यूज होगी। तो आ जाओ बेटा लोग, देखते हैं किस किस ट्राइंगल में देखेंगे, टेंशन देखते रहते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार देखेंगे इस बड़े वाले ट्राइंगल में, तो इसमें हम लोग जनरली यूज क्या करेंगे, आप लोग दिमाग थोड़ा सा यूज करेंगे, तो हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके बराबर होता है इस ट्राइंगल में, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ये सबको पता होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो एक बार इस बड़े वाले ट्राइंगल को देख लेंगे, एक बार छोटे वाले ट्राइंगल को देख लेंगे। तो बड़े वाले ट्राइंगल में अल्फा प्लस टू थीटा किसके बराबर होगा, बीटा के बराबर। ये पता चल रहा है, बड़े वाला मतलब कि ओ एम आई, किसमें, ओ एम आई में, ठीक है, ओ एम आई में किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा टू थीटा के। और पहले पहले जब देख लेते क्या क्या हो सकता है, अल्फा प्लस टू थीटा किसके बराबर होगा, बीटा के बराबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, किसमें, ओ एम आई में, और इस वाले में अल्फा प्लस थीटा बीटा के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, अल्फा प्लस थीटा बीटा। क्या क्या किसके बराबर होगा, देखो अल्फा प्लस थीटा गामा के भी बराबर होगा, देख लो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या ले सकते हैं एजम्पशन, क्या क्या ले सकते हैं, पहले अल्फा प्लस थीटा गामा के बराबर, अल्फा प्लस थीटा गामा के बराबर, गामा प्लस थीटा बीटा के बराबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस थीटा गामा के बराबर इस ट्राइंगल में, ठीक है, ए वाला में अल्फा प्लस थीटा किसके बराबर, गामा, और इस छोटे वाले ट्राइंगल में गामा प्लस थीटा बीटा के बराबर, और बड़े ट्राइंगल में अल्फा प्लस टू थीटा किसके बराबर ले सकते हैं, अल्फा प्लस टू थीटा किसके बराबर ले सकते हैं, अल्फा प्लस टू थीटा को बीटा के बराबर। लेकिन अल्फा प्लस टू थीटा को लेने से हमको कोई फायदा वायदा नहीं होने वाला है, ठीक है, टू थीटा है, तो हम लोग एक बार लेंगे अल्फा प्लस थीटा गामा, एक बार गामा प्लस थीटा बीटा के बराबर। अब देखना इससे क्या फायदा होगा, ठीक है, इसी से फायदा मिलेगा, ठीक है, एजम्पशन जितने हैं उतने कर लो, जिससे हमको फायदा मिलेगा उसी को लेंगे। तो अल्फा प्लस थीटा गामा हम लोग ट्राइंगल को देते हैं, ओ एम सी को देखते हैं, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओ एम सी, इन ट्राइंगल ओ एम सी देखते हैं, क्या मिलेगा, अल्फा प्लस थीटा किसके बराबर मिलेगा, अल्फा प्लस थीटा गामा के बराबर। बेटा पढ़े किसके बराबर मिलेगा, गामा, अल्फा प्लस थीटा किसके बराबर मिलेगा, गामा के बराबर मिलेगा, इक्वेशन वन। क्लियर है, उसके बाद देखो इन ट्राइंगल, अब देखते इन ट्राइंगल सी एम आई, सी एम आई, इन ट्राइंगल सी एम आई गामा प्लस थीटा, गामा प्लस थीटा किसके बराबर मिलेगा, गामा प्लस थीटा किसके बराबर मिलेगा, बीटा के बराबर मिलेगा, इक्वेशन टू। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। अब इनमें से हमको क्या करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है, किसको एलिमिनेट करना है, थीटा को, क्योंकि थीटा से कोई मतलब नहीं है हमको, अल्फा गामा बीटा से मतलब है, क्योंकि यहां पर भी अल्फा बीटा गामा ही है, तो हमको थीटा को यहां से क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। इज इट ओके टू एवरीबॉडी, हमको क्या करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है। तो एक बार पॉज कर करके लिख लेंगे, ठीक है, एक बार पॉज करके लिख लेंगे, हटाते हैं हम, ठीक है, थोड़ी इस चीज़ों को, ठीक है, इधर वाली चीज़ों को हटा देते हैं, ठीक है, नीचे वाली चीज़ों को, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर मैं एडअप कर लेता हूँ, ठीक है, सब लोग लिख लेंगे यहाँ से, इस साइड में मैं एडअप कर देता हूँ चीज़ों को, मिटाने से कोई मतलब वो है नहीं, एक साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा, इसके बाद यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब देखो इक्वेशन और वन और टू को क्या करेंगे, हमको थीटा एलिमिनेट करते, घटा दो, क्या करो, घटा दो, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन टू से वन को घटाते, इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन एक से दो को घटाते हैं, तो अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू क्या था, गामा, अल्फा प्लस थीटा गामा, एंड गामा प्लस थीटा क्या था, गामा प्लस थीटा क्या था, बीटा, इसको घटाओ, माइनस
माइनस एंड माइनस, थीटा थीटा गायब, अल्फा माइनस गामा इजकल टू गामा माइनस बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गामा को इस साइड ले जाओगे तो टू गामा हो जाएगा, गामा को इस साइड ले जाओगे तो टू गामा ना, ए माइनस है प्लस टू गामा, और बीटा को इधर लाओगे तो अल्फा प्लस बीटा। वेरी वेरी एंड वेरी बेस्ट इक्वेशन, इक्वेशन थर्ड। क्या मिला इक्वेशन थर्ड? बहुत मजेदार इक्वेशन है बेटा, आप सॉल्व हो गया, काम खत्म। क्या किया है? मजेदार इक्वेशन है। दोनों को इक्वेशन को मैंने क्या क्या स्टेप क्या किया, पहले टेन मैंने एंगल डिसाइड कर लिया, उसके बाद टेन थीटा अल्फा, टेन अल्फा बीटा गामा निकाल लिया, उसके बाद मैंने सारे अपर्चर को छोटा माना, और एजम्पशन करना ही पड़ेगा क्योंकि सारी की सारी वैलिड तभी रहती है, एफ इक्वल टू आर बाई टू तभी लेते हैं, ये तभी पॉसिबल है। ठीक है, तो अपर्चर को स्मॉल माना, अगर अपर्चर स्मॉल हो गया तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगी। अब अगर एंगल बहुत स्मॉल रहता है तो टेन अल्फा अल्फा के बराबर, टेन बीटा बीटा के बराबर, और टेन गामा बीटा लोग गामा के बराबर होता है। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? आई थिंक क्लियर होगा। तो यहाँ से सारी की सारी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू लिख लेंगे। अब हमको क्या लगाना है, हम लोग को एक कॉन्सेप्ट लगाना है ज्योमेट्री का, कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे ओएमसी, ओएमसी इसमें देख लेंगे अल्फा प्लस थीटा गामा के बराबर। फिर देख लेंगे क्या भैया, सीएमआई इसमें गामा प्लस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? बीटा के बराबर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है, क्योंकि थीटा से मतलब है नहीं, हमको अल्फा गामा बीटा से मतलब है। तो थीटा को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट में से सेकेंड को घटा दो, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमको रिलेशन क्या मिल जाएगा, टू गामा इजकल टू अल्फा प्लस बीटा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। अब मैं जा रहा हूँ अपना फाइनल, इसको टच देने जा रहा हूँ, यहाँ से सारी की सारी वैल्यू को मैं पुट करने जा रहा हूँ। ठीक है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को, तो पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। तो टू बोल बेटा, गामा की वैल्यू क्या है बेटा, गामा की वैल्यू बता दे। गामा की वैल्यू एमपी डैश अपॉन सीपी डैश, एमपी डैश अपॉन सीपी डैश इक्वल टू अल्फा की वैल्यू बेटा बोल, एमपी डैश अपॉन ओपी डैश प्लस बोल बेटा बीटा की वैल्यू एमपी डैश अपॉन आईपी डैश बोल बेटा। ठीक है, अरे 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 एमपी डैश तो कॉमन हो गया बेटा, तो कैंसिल हो जाएगा, एमपी डैश कॉमन, तो 2 अपॉन सीपी डैश इक्वल टू 1 अपॉन ओपी डैश प्लस 1 अपॉन आईपी डैश। अब यहां से सारी की सारी वैल्यू को पुट करते हैं, सीपी डैश आर के बराबर है तो 2 अपॉन में माइनस आर इक्वल टू ओपी डैश किसके बराबर है, माइनस यू के बराबर, तो 1 बाई माइनस यू प्लस आईपी डैश किसके बराबर है, बी के बराबर, तो माइनस, माइनस सब में है तो क्या मिल गया, 2 बाई आर इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। इसी को क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला। अच्छा, 1 बाई एफ के टर्म में डालते हैं कुछ लोग, कैसे डालते हैं देखो, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में आर बाई टू लिख सकते हैं ना, नीचे जाएगा तो इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। अब एपर्चर बड़ा छोटा है, एपर्चर क्या है, बहुत छोटा है, तो एपर्चर छोटा रहता है, एपर्चर अगर बहुत छोटा रहता है तो आर बाई टू को क्या लिखते हैं, एफ लिख देते हैं ना आर बाई टू को, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी। ये मस्त वाला क्या मिल गया तुम्हारा, मिरर फार्मूला मिल गया, इसको क्या बोलते हैं अपन, मिरर फार्मूला। ठीक है, तो ये मस्तदार एकदम मस्त एकदम वाली चीज है, एकदम जानदार जबरदस्त। तो हमने अभी क्या प्रूफ कर दिया बेटा पाटी, हमने प्रूफ कर दिया कि 1 बाई फोकल लेंथ 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी के बराबर होता है, जो कि हम लोग जानते हैं। तो इसका डेरिवेशन ऐसे है। अच्छा, डेरिवेशन एक और तरीका है जो कि बुक्स करती है, तो उसको हम लोग ज़्यादा फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो लेंदी है, ये आसान है मेथड। ठीक है, वो थोड़ा सा लेंदी है तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, आसान मेथड है तो इसको करेंगे। ठीक है, एक प्रॉपर मेथड है, इसको याद कर करके अपना कर लेंगे। तो आप लोग पॉज कर करके सभी लोग वीडियो देख करके समझ लेंगे कि बार मैंने स्टेप बता दिया है, कुछ है नहीं इसमें रॉकेट साइंस। ठीक है, नहीं ठीक है, यहाँ सबकी वैल्यू मैंने पहले ही लिख दी थी, और उसके बाद अपना क्या कर लेंगे वन बाई वन सारी की सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर होगा, इज इट ओके टू एवरीबॉडी? अब कन्वेक्स वाला देख लेते हैं। ठीक है, पॉज करके लिख लेंगे। अब क्या देखते हैं हम लोग बेटा लोग, तो कन्वेक्स वाला पार्ट देख लेते हैं। किस वाला, कौन सा पार्ट देखेंगे वो बेटा लोग, कन्वेक्स वाला पार्ट देखेंगे। कौन सा देखेंगे बेटा पार्टी, कन्वेक्स वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
कन्वेक्स वाला देखना, वो भी आसान है, इसी तरह से कर लेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे दो चार, उसके बाद अपना सवाल करते रहना बेटा पार्टी। जो भी कमेंट में आप लोग करें, जो भी प्रॉब्लम्स होगी कमेंट में करें, सवाल भी आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो आप लोग देखते रहें, सारी की सारी चीज़ों को करते रहें वन बाय वन, ठीक है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, कन्वेक्स मिरर का, किसका आप करते हैं कन्वेक्स मिरर का डेरिवेशन, किसका करेंगे बेटा लोग, कन्वेक्स मिरर का करेंगे, किसका करेंगे बेटा लोग, तो कन्वेक्स मिरर का करेंगे। थोड़ा सा डिम चल रहा है तो हम लोग मार्कर चेंज कर लेते हैं, कन्वेक्स मिरर का करेंगे। तो पहले से इधर से ही फिगर हम लोग बना लेते हैं कन्वेक्स मिरर का, किसका करेंगे बेटा पार्टी बोल, कन्वेक्स कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देख पहले कन्वेक्स मिरर बना ले, क्या कर, कन्वेक्स मिरर यो लेख बेटा, ये क्या है कन्वेक्स मिरर, इसको क्या बोलते हैं वो, कन्वेक्स मिरर तो जानते हो यार, ये सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो प्रीवियस लेक्चर में जा करके देख लेंगे, वैसे सब लोग जानते हैं, जाने की जरूरत ही नहीं है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस से क्या बेटा बोलो, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं बेटा लोग, पोल, इसको क्या बोलते हैं बेटा लोग, बेटा बेटे बोल दे, बोल बोल, पोल है। यहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट, क्या रख दिया ऑब्जेक्ट, यहाँ से एक रे जाएगी मचलते हुए बेटा, जाएगी कैसे, मचलते हुए जाएगी रे, और इस पे टकराएगी या टकरा करके यूं वापस चली आएगी, क्यों, क्योंकि सीधी जा रही है तो नॉर्मल ये बनेगा, नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी इसके ऊपर, इसके टेंजेंट के ऊपर। अब हम जानते हैं कि नॉर्मल के एलोंग जो भी रे जाती है, जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस आ जाती है बेटा। तो ये नॉर्मल रे टेंजेंट की नॉर्मल की तरह दिखेगा कि नहीं दिखेगा, नॉर्मल की तरह ही तो दिखेगा, तो नॉर्मल की ओर जो भी रे जाएगी उसी रास्ते से वापस। एक रे गई मचलते हुए यूं, सीधा बन जा बेटा, देख अब जैसे ही यहां आएगी, अब हम जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर कैसा मिरर होता है बिटू, डाइवर्जिंग मिरर होता है, कैसा मिरर होता है, तो डाइवर्जिंग मिरर होता है तो ये डाइवर्ज करेगी, क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी बात करते हैं, सबसे पहले एक बना लेते हैं नॉर्म, ए सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हम जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी जाती है, जो भी लाइन जाती है, तो क्या, तो सरफेस ऑफ द मिरर पे रेडियस की तरफ बिहेव करती है, किसकी तरफ बिहेव करती है बेटा बेटी, तो रेडियस की तरफ बिहेव करती है। हम जानते हैं कि रेडियस जो होता है सरफेस ऑफ द स्फीयर पे नॉर्मल होता है, या फिर टेंजेंट अगर खींचोगे तो इस पर नॉर्मल मतलब है, किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा पार्टी, नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। एक किसकी तरह बिहेव करेगा, तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, तो ए नॉर्मल है तो जितना एंगल पे आएगी नॉर्मल के उतना ही एंगल पे क्या करेगी, यूं चली जाएगी, बोल। तो ये लगेगा कहां से, अच्छा इधर कहीं मिलेगा क्या यहां से, और ये छोटू यहाँ तो कभी मिलेगी नहीं, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है लड़के, कभी मिलेगी नहीं, मतलब इमेज का फॉर्मेशन इधर तो होना तय है ही नहीं, तो लगेगा क्या, हमने बताया था आप जाओगे प्लेन मिरर में तो जहाँ से लगता है कि रे आ रही है ना वही इमेज बनता है, जहाँ से लगे हमको कि वहीं से क्या रही है, वहीं से हमको इमेज दिखता है, जैसे मिरर में दिखते हो ना यूं मिरर, तो क्या लगता है कि उसी में से आ रही है हमारी रे, ठीक है, तभी तो वहाँ इमेज बनता है, इमेज बनता हुआ तो ऐसा लग रहा है कि कहाँ से आ रही है दोनों, किस मिड पॉइंट से आ रही है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दे, तो ऐसा हमको लगता है, अपीयर्स होता है कि ये लड़के रे यहाँ से आ रही है, और ए रे कहाँ से जा रही है, यही से लड़ करके जा रही है, तो यही क्या बनेगा बेटा पटी, इमेज बनेगा, कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल हो, कैसा इमेज बनेगा बोल बेटा, वर्चुअल इमेज बनेगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता है, कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है बेटा पटी, तो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल, अपीयर्स की बात जब भी आएगी तो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल, तो यहाँ कैसा इमेज बनेगा बेटा पार्टी, वर्चुअल। अब हम क्या करते हैं, वही सबका नामकरण कर देते हैं, तो बोल बेटा यहाँ एक डाल देते हैं परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन,
ए पी है तो ए पी डैश। अच्छा पी पी डैश की दूरी बहुत ही छोटी है इसलिए इसको निगलेक्ट कर देंगे, मैंने बता रखा है पी पी डैश को हम लोग क्या करते हैं निगलेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा निगलेक्ट क्यों कर देते हैं वाली दूरी, क्योंकि अपर्चर इसका बहुत छोटा होता है, ये जो मिरर माने अपर्चर छोटा, तो जितना अपर्चर छोटा करेंगे ना यूं 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 छोटा किया तो स्ट्रेट लाइन की तरफ दिखेगा, एक दोनों पॉइंट पास आ जाएगा कि नहीं पास जाएगा, यूं देख छोटा सा कर लें अपर्चर देख ऐसे खींच लें ए पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों अपर्चर छोटा होगा तो ये दोनों पॉइंट जितना छोटा होगा ये दोनों पॉइंट उतना ही मिलेगा, देख यूं 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 ये पॉइंट देखो और पीछे गया तो ए वाली पॉइंट और ही, तो छोटा अपर्चर के कारण पी पी डैश एक ही जगह हो जाता है। और छोटा अपर्चर मानेंगे तभी आर इज इक्वल टू 2f होता है, अदरवाइज होगा नहीं, क्लियर है बात। तो ए थीटा तो ए भी थीटा, ए अल्फा इमेज वाला बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला गामा, नाम दे देते हैं ओपी ओपी डैश ओपी डैश, ये दोनों पॉइंट सेम मान लेते हैं तो ओपी डैश मान लग रहा स्मॉल अपर्चर है छोटे अपर्चर का है, और छोटे अपर्चर का लेकर के तो ओपी डैश इक्वल टू माइनस यू लेफ्ट साइड में माइनस यू लेफ्ट साइड में माइनस, मैंने बताया साइन कन्वेंशन नहीं बताया तो थोड़ा सा बता दूंगा एक बार, साइन कन्वेंशन बहुत आसान है तो ओपी डैश इक्वल टू वैसे मैंने बता रखा है साइन कन्वेंशन, ठीक है ओपी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा ओपी डैश, प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे तो ओपी डैश क्या होगा बेटा माइनस यू, और हो आईपी डैश क्या हो जाएगा एपी डैश मान लेते हैं आईपी डैश बोल बेटा वी प्लस वी ना राइट साइड है प्लस वी और राइट साइड होता है पुल के तो प्लस अरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पोल को ओरिजिन को क्या मानते हैं पोल, इसके राइट साइड में पॉजिटिव इसके लेफ्ट साइड नेगेटिव इसके अप साइड पॉजिटिव इसके डाउन साइड नेगेटिव, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे 9th 10th में जानते होंगे, ओरिजिन होता है जो इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं एक्स और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन, तो ओरिजिन को इसमें क्या मान लेते हैं पोल, अब ओरिजिन के राइट साइड प्लस होता है लेफ्ट साइड माइनस अप साइड प्लस डाउन साइड माइनस, ठीक है तो सारी की सारी दूरी कहाँ से मांगते हैं पोल से मापते हैं, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल एंड इधर की ओर क्या करेंगे प्लस ए पोल के इधर प्लस इधर माइनस, ओपी डैश लेफ्ट साइड में है इसलिए माइनस यू, आईपी डैश किधर है राइट साइड में है तो प्लस, ठीक है कि नहीं ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे सीपी डैश की ये क्या हो जाएगा प्लस आर हो जाएगा, ठीक है राइट साइड में रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ये हमारे पास नामकरण हो गया, ठीक है ये क्या है नामकरण, इसको हटा देते हैं सेंटर कन्वेंशन को सबको आता है छोटी चीज है, क्लियर है। अब इसमें देख लेते हैं सभी ट्राइंगल में देखते हैं अल्फा बीटा गामा के वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बोलो यहाँ से बोलते जाएंगे सभी बच्चे यहाँ से करते हैं हम ना, टैन अल्फा बराबर क्या होगा टैन अल्फा इजकल टू बिल्ला बोल टैन अल्फा इजकल टू, अच्छा इस पॉइंट का नाम एम सेम टू सेम एम पी अपोन चाहे एम पी डैश माने तो एम पी डैश अपोन ओ पी डैश, उसी तरह से टैन बीटा इक्वल टू टैन बीटा इजकल टू एम पी डैश अपोन आई पी डैश ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उसी तरह से टैन गामा इक्वल टू टैन गामा इक्वल टू टैन गामा इक्वल टू एम पी डैश अपॉन सी पी डैश हो गया, सबकी वैल्यू आ गई, कोई लोचा नहीं होनी चाहिए है भी नहीं, सबकी वैल्यू अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर करके, इज इट ओके टू एवरीबॉडी, सिंस Aperture is very small, alpha, beta, gamma will also be very small. ठीक है ये सारे क्या हो जाएंगे बहुत छोटे हो जाएंगे ना, Aperture छोटा होगा यू छोटा यू 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 छोटा Aperture भी छोटा Aperture छोटा ये वाला distance बहुत छोटा, ठीक है मान लेते हैं कि क्या है ए वाला यही मान लेते हैं, ठीक है और सर अपर्चर अगर छोटा यू अपर्चर अगर छोटा यूं अपर्चर छोटा यूं अपर्चर छोटा तो एंगल भी सारे के सारे छोटे एंगल भी वो छोटे, क्लियर है
ये फिर छोटा छोटा तो एंगल भी ये वाले छोटे छोटे होंगे नहीं होंगे, बहुत छोटे होंगे। अल्फा बीटा गामा भी बहुत छोटा हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा बहुत छोटा होगा, तो टेन अल्फा अल्फा के आसपास, टेन बीटा बीटा के आसपास एंड टेन गामा बीटा पार्टी गामा के आसपास, तो क्या यहाँ से मिलेगा, अल्फा इजकल टू एम पी डैश अपोन ओ पी डैश, बोल बेटा पटी, हाँ बीटा इजकल टू बोल बेटा पटी एम पी डैश अपोन आई पी डैश एंड गामा इजकल टू एम पी डैश अपोन सी पी डैश, बोलो सत्यवचन, सत्यवचन की इस घड़ी में आप लोग हमारे साथ हैं, हाँ बिल्कुल साथ हैं, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा मिल गया, अब काम वही सेम टू सेम वही लगाएंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल देख लेते हैं छोटू, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू थीटा, यू बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ एम सी ओ एम सी ओ एम सी ओ एम सी बड़ा वाला ट्रायंगल, तो अल्फा प्लस गामा इक्वल टू थीटा, ठीक है, या फिर थीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन वन, ठीक है, क्लियर है, थीटा इजकल टू अल्फा प्लस गामा। अब कौन सा ट्रायंगल देख लेते हैं, अब कौन सा ट्रायंगल देखेंगे हो, थोड़ा सा सेंस लगा ले बेटा, अल्फा प्लस गामा इजकल टू थीटा हो गया, ये बात सत्य है, ठीक है। अच्छा अब क्या लगा सकते हैं हम लोग, सेंस लगाओ, अल्फा प्लस गामा इजकल टू थीटा, गुड। अच्छा ए थीटा है, ए थीटा है बेटा पार्टी, बता ए थीटा है और ए रे कहाँ से गई है, यहाँ से गई है, ए यहाँ से गई है रे ना, लगा है कि यहाँ से गई है, तो ए वाला थीटा है तो ए भी थीटा होगा कि नहीं होगा, ये भी थीटा होगा, अरे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ए वाली रे सीधी गई कट मारी ऐसे, देख इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर देख हो जाएगा यहाँ पर, अब ये तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, चाहे छोट परपेंडिकुलर मत देख, ठीक है, छोटी सी चीज़ देख, 2600 भी लोग क्या है कि ये ऐसे है, क्लियर है, ए वाली यू तो ए थीटा, तो ए भी थीटा कि नहीं थीटा, बोल बेटा थीटा होगा, तब तो आसान हो गया ना, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल आई एम सी, आई एम सी इन ट्राइंगल आई एम सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, थीटा प्लस गामा इजकल टू बीटा, बीटा इजकल टू थीटा प्लस गामा, इज इट ओके एवरीबॉडी, तो यहाँ से थीटा इजकल टू क्या मिल जाएगा, बीटा माइनस गामा, इक्वेशन टू। अब इक्वेट कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, क्या कर देते हैं, इक्वेट, इक्वेटिंग, इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड टू क्या मिलेगा बोलो, गामा अल्फा प्लस गामा, क्योंकि थीटा हटाना है हमको ना, गाम अल्फा प्लस गामा इजकल टू बीटा माइनस गामा, इधर गामा को लो आओ तो टू गामा, इधर बोलो बीटा माइनस अल्फा, गामा को इधर अल्फा को इधर, तो इधर टू गामा इधर बीटा माइनस अल्फा। अब सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, सबकी वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो गामा की वैल्यू क्या है, 2 इंटू एम पी डैश अपोन सी पी डैश इजकल टू बीटा की वैल्यू एम पी डैश अपोन एम पी डैश अपोन आई पी डैश एंड माइनस अल्फा की वैल्यू एम पी डैश अपोन एम पी डैश अपोन ओ पी डैश, एम पी एम पी कैंसिल, एम पी एम पी कैंसिल, आई थिंक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिला, 2 बाई सी पी डैश इजक्वल टू 1 बाई आई पी डैश प्लस 1 बाई ओ पी डैश, ठीक है। अब यहाँ से भरते हैं सारी वैल्यू, बोल देख के बोल, सी पी डैश की वैल्यू 1 बाई आर 2 बाई आर, सी पी डैश की वैल्यू आर तो 2 बाई आर, 1 बाई आई पी डैश की वैल्यू वी 1 बाई वी,
अच्छा माइनस था ना बेटा, हाँ माइनस माइनस वन अपॉन ओ पी डैस की वैल्यू बोल माइनस वन माइनस यू, तो ये क्या मिल गया टू बाई आर इजक्वल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू, ये हो गया तुम्हारा मिरर फॉर्मूला। इसको क्या लिख सकते हैं वन अपॉन में आर बाई टू भी लिख सकते हैं इजक्वल टू वन बाई यू प्लस वन बाई वी, वन बाई आर बाई टू को क्या लिख सकते हैं वन बाई एफ इजक्वल टू वन बाई यू प्लस वन बाई वी, ये क्या हो गया तुम्हारा मिरर फॉर्मूला। बोल बेटा पार्टी क्या हो गया ये तुम्हारा मिरर फॉर्मूला, ठीक है मजा आया, आई थिंक मजा आया होगा, मजा आया मजा। तो मैंने क्या किया कन्वेक्स और कनकेव मिरर के लिए दोनों डेरिवेशन करा दिया, इज इट ओके टू एवरीबॉडी, आई थिंक क्लियर होगा, इसमें कुछ रॉकेट साइंस वाली बात होगी नहीं। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो कुछ न्यूमेरिकल के साथ, नहीं तो इसी में मैं कंटिन्यू करता हूँ कुछ देर के बाद ही, ठीक है। क्या यूज करते हैं भाई अब इसके में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कम से कम 5-7-10 न्यूमेरिकल, अच्छे खासे न्यूमेरिकल करेंगे, तो हो सकता है कि अगला लेक्चर भी लेना पड़ जाए, क्योंकि ये लेंदी लेक्चर होगा तो कोई मतलब नहीं है, लेक्चर में कॉन्सेप्ट सीखो और इसका सवाल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आधे और 45 मिनट का अच्छे खासे क्वेश्चन, उसमें बोर्ड टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जेई मेंस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जेई एडवांस के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कुछ नेट के भी क्वेश्चन रहेंगे, बहुत अच्छी खासी चीज़ों के साथ, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे, कॉन्सेप्ट यही यूज होगा। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बच्चों मस्त यहाँ से पढ़ते रहो।